थोड़ा साइड में चलो। जी हाँ, आना पड़ा इसलिए कि जो हमारा हमारा जो कैंडिडेट है यहाँ पर, इसको पिछले 10-15 दिन से घर से निकलने की इजाजत नहीं है श्रीनगर में, और सिक्योरिटी का बहाना करके इसको, क्योंकि ये कैंडिडेट भी है DDC का, इसको कंपेन करने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो इसलिए आज मुझे जबरदस्ती ये कहना पड़ा कि मैं कैंडिडेट के घर जा रही हूँ, तो तब जाके इसको आने दिया। ये हाल हमारे दूसरे लोगों का भी है। तो मुझे हैरानगी है कि हमारे यहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और दूसरे लोग हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो बार बार कहते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है PAGD के कैंडिडेट्स के साथ, मगर बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये घबराए हुए हैं। मेरी लोगों से ये अपील है कि जहां जहां भी अलायंस के कैंडिडेट हैं उनको कामयाब करें, और जो दिल्ली में सरकार है और जो उनके यहां पर दोस्त हैं उन सबको अपना वोट डाल के PAGD के कैंडिडेट को देके उनको जवाब दे दे कि हम क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का जो तशख्खुस आप लोगों ने बर्बाद कर दिया, जम्मू कश्मीर की जो आइडेंटिटी आपने बर्बाद कर दी, PAGD उस आइडेंटिटी उस तशख्खुस को बहाल करने के लिए लड़ रही है, जम्मू कश्मीर के तशख्खुस के लिए लड़ रही है। इसलिए मेरी तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील है, ये कोशिश करेंगे माहौल बिगाड़ने की, ये कोशिश करेंगे ग्रेनेड का इस्तेमाल करने की, गोली का इस्तेमाल करने की, पर खुदा के लिए आज अपने लिए, अपनी बका के लिए, अपनी इज्जत के लिए वोट डालिए, और PAGD के जो अलायंस के कैंडिडेट हैं जहां जहां भी हैं उनको कामयाब कर लिए। सेंटर का ये ख्याल था कि जो PAGD है ये लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना PDP पार्टिसिपेट नहीं करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगी, CPIM पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और ये अपने बैकडोर एंट्री से अपने लोगों को, जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो भी ऐसा वैसा एलिमेंट है, उनको पैसे देके इस वक्त ये खड़ा कर रहे हैं। और कल को अगर खुदा ना खास्ता वो लोग कामयाब हो गए तो लोगों का जीना और भी ज्यादा हराम हो जाए। मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी के खिलाफ कुछ है, अगर इनमें ताकत है तो साबित करके दिखा देना। ये तो घबराहट है इनकी, ये जो PAGD बना है उसकी घबराहट की वजह से कभी फारूक साहब को, कभी दूसरे साहब को, कभी तीसरे साहब को इल्जाम लगाते हैं। अगर इनमें ताकत है, मैं कहना चाहती हूँ, अगर इनके बस की बात है तो ये साबित करके दिखा दें, और उसके बाद मैं वो मुफ्ती पहली होगी कि जिसमें अगर मेरे खिलाफ कोई चीज, कोई भी इतनी सी बात साबित हो जाती है तो मुझे जेल में डाल दें। तो बिल्कुल डोंग कर रही है, वो घबराए हैं PAGD के इलेक्शन में हिस्सा लेने से, ये लोग घबरा गए हैं और कुछ नहीं।